डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिफरेंट सायरन कोड्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एक्सीडेंट मैनुअल। सो बेसिकली एक्सीडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव कैटेगरीज, फाइव टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स आर देयर। एक्सीडेंट को पांच वर्गों में रखा गया है, पांच तरह के एक्सीडेंट हैं। नंबर वन ट्रेन एक्सीडेंट, नंबर टू यार्ड एक्सीडेंट, नंबर थ्री इंडिकेटिव एक्सीडेंट, नंबर फोर इक्विपमेंट फेल्योर एंड नंबर फाइव अनयूजुअल इंसिडेंट्स। तो हम एक एक करके आपको इसका मीनिंग बताएंगे सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर। तो क्या मीनिंग है ट्रेन एक्सीडेंट का और यार्ड एक्सीडेंट का, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो एक्सीडेंट मैनुअल के हिसाब से ट्रेन एक्सीडेंट का मीनिंग है द एक्सीडेंट इन विच इट इन्वॉल्व्स ए ट्रेन, और यार्ड एक्सीडेंट का मीनिंग है द एक्सीडेंट विच टेक्स प्लेस इन लोको सेट और एडजॉइनिंग ट्रैफिक यार्ड। तो सीधे शब्दों में अगर बात करें इसका मीनिंग यह है कि यार्ड एक्सीडेंट का मतलब कि यार्ड में एक्सीडेंट हुआ है या लोको सेट में कोई छोटा मोटा डिरेलमेंट हो गया है या ट्रैफिक यार्ड जो यार्ड रहता है स्टेशन का साइडिंग का, वहाँ पे कोई डिरेलमेंट हो गया, छोटा एक्सीडेंट हो गया, विच इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द अदर रनिंग लाइन्स, अदर ट्रेन मूवमेंट्स। और ट्रेन एक्सीडेंट क्या है? इट टेकिंग प्लेस इन्वॉल्विंग ट्रेन मीन्स रनिंग लाइन इज गेटिंग अफेक्टेड। सो दैट इज द डिफरेंस इन ट्रेन एक्सीडेंट एंड यार्ड एक्सीडेंट। एंड दिस ट्रेन एक्सीडेंट, इसको फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ट्रेन एक्सीडेंट को भी डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक है कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, कंसेक्वेंशियल को हिंदी में बोलते हैं परिणामी ट्रेन दुर्घटना, एंड अदर ट्रेन एक्सीडेंट कि जो कंसेक्वेंशियल नहीं है तो बाकी जो एक्सीडेंट्स है उसको अदर ट्रेन एक्सीडेंट बोलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कंसेक्वेंशियल, व्हाट इज कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, परिणामी ट्रेन दुर्घटना क्या है, और इंडिकेटिव एक्सीडेंट और कंसेक्वेंशियल एक्सीडेंट में क्या डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, नेक्स्ट वीडियो में अलग से बताएंगे। थर्ड कैटेगरी इज इंडिकेटिव एक्सीडेंट। इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स का मीनिंग होता है सांकेतिक दुर्घटना, मीन्स एक्चुअल लॉस इज नॉट देयर, एक्चुअल लॉस इज नॉट देयर टू द रेलवे बट इट इज ए पोटेंशियल हजार्ड फॉर आवर वर्किंग। एक ऐसा खतरे का इशारा है, खतरे की घंटी है जो इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, खतरे की ओर इशारा करता है। अभी बड़ा खतरा नहीं हुआ है लेकिन खतरे का एक इशारा है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हजार्ड। इंडिकेटिव एक्सीडेंट के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, जैसा मोस्ट फेमस नंबर वन स्पैड, ट्रेन पासिंग स्टॉप सिग्नल एट डेंजर, जब हमारी ट्रेन किसी की भी गलती हो उसमें वो अलग मैटर है, जब ट्रेन किसी भी स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करती है तो उसको हम स्पैड बोलते हैं, सिग्नल पासिंग एट डेंजर स्पैड बोलते हैं। सो अभी कुछ डेरेलमेंट नहीं हुआ है, कोई कोलिजन नहीं हुआ है, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बट स्पैड हुआ है तो ये इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। और दूसरा एग्जाम्पल है एवर्टेड कोलिजन, निवारित टक्कर, ये टक्कर होते होते बच गई एक ट्रेन और दूसरा ट्रेन के बीच में, या एक ऑब्स्ट्रक्शन और एक ट्रेन के बीच में कोलिजन होते होते बच गई, तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि डिस्टेंस रुकने के बाद में दोनों के बीच का दूरी नापा जाएगा। इफ डिस्टेंस इज लेस देन 400 मीटर देन इट इज कॉल्ड एवर्टेड कोलिजन। यदि दोनों ट्रेन या ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रेन के बीच का डिस्टेंस नापने पर
If it is less than 400 meter, then it will be treated as a averted collision. So, दो हो गया, स्पैड, दूसरा एग्जाम्पल एवर्टेड कोलिजन. थर्ड एग्जाम्पल ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन. ये भी इंडिकेटिव एक्सीडेंट में आता है क्योंकि उसमें कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ है, बट पोटेंशियल हजार्ड मतलब एक खतरे की घंटी है, तो वो भी इंडिकेटिव एक्सीडेंट में आएगा. ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल. ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल के एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे ट्रेन इंटर्ड ब्लॉक सेक्शन विदाउट एटीपी, बिना एटीपी के या रॉन्ग एटीपी लेकर ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी प्रवेश कर जाती है, तो क्या है वो? इंडिकेटिव एक्सीडेंट है. अभी कोई दूसरी बड़ी दुर्घटना उसमें नहीं हुई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रेन इंटरिंग सैंड हम्प. सैंड हम्प हमारे SOL के लिए या सेफ्टी के लिए, आइसोलेशन के लिए बना हुआ है. वहाँ ट्रेन जाना नहीं है, वो सेफ्टी के लिए वहाँ गए, तो क्या है? इंडिकेटिव एक्सीडेंट. ट्रेन इंटरिंग सैंड हम्प, स्लिप साइडिंग, गैस साइडिंग, वैसा ट्रेन चला गया है बाय मिस्टेक, देन इट इज कॉल्ड इंडिकेटिव एक्सीडेंट. नेक्स्ट, ट्रेन रिसीव्ड ऑन रॉन्ग लाइन. सपोज करो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण पैसेंजर ट्रेन को हमने गुड्स यार्ड में ले लिया, यार्ड लाइन में ले लिया, सो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल है ये. रिसीव्ड ऑन रॉन्ग लाइन, डिस्पैच ऑन टू रॉन्ग लाइन, रिसीव किया या डिस्पैच किया. फॉर एग्जाम्पल सिकंदराबाद से ट्रेन इज सपोज टू गो टू काचीगुड़ा और हमने लाइन क्लियर लेके काजीपेट डायरेक्शन में डिस्पैच किया, सो इट इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल और ये भी इंडिकेटिव एक्सीडेंट कहलाता है. सो लोको पायलट के लिए क्या है? रॉन्ग डायरेक्शन का सिग्नल टेक ऑफ किया है, चाहे वो रिसेप्शन हो चाहे वो डिस्पैच हो, लोको पायलट को जैसे ही मालूम हो जाए ही शुड स्टॉप हिज ट्रेन, अपना गाड़ी रोक देना है एंड स्पीक टू स्टेशन मास्टर, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए. इसका एग्जाम्पल भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एक ब्रिज ऑफ ब्लॉक रूल का एक्सीडेंट हुआ है हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे में, सो दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. सो ये जो तीन है, स्पैड, एवर्टेड कोलिजन एंड ब्रिज ऑफ ब्लॉक रूल, और ब्रिज ऑफ ब्लॉक रूल के अंदर जितना हमने एग्जाम्पल बताया ये सब मिला के इसको बोलते हैं इंडिकेटिव ट्रेन एक्सीडेंट. नाउ फोर्थ इज इक्विपमेंट फेल्योर. जैसा कि नाम से मालूम है, वेरी सिंपल मीनिंग, इक्विपमेंट फेल्योर का मीनिंग है कोई भी हमारा उपस्कर की खराबी. फॉर एग्जाम्पल लोको फेल्योर, रेलवे ट्रैक फेल्योर, CNW कैरेज वैगन, यानी कोचिंग ट्रेन के वैगन डिब्बे को बोलते कैरेज, मालगाड़ी के डिब्बे को बोलते वैगन, उसमें कोई खराबी आ गई, ट्रेन डिटेन हो गई, सिग्नल की खराबी हो गई, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की खराबी हो गई, और एनी इक्विपमेंट फेल्योर, सो ऑल विल कम इट अंडर इक्विपमेंट फेल्योर. एंड फिफ्थ कैटेगरी इज अनयूजुअल इंसिडेंट्स. सो यहाँ पे थोड़ा मीनिंग का डिफरेंस है. जो GNSR में अनयूजुअल हम लोग बोलते हैं, जैसे लर्च, रेल फ्रैक्चर, फ्लैट टायर या हॉट एक्सिल, हॉट बॉक्स, वो सब अनयूजुअल में गिना जाता है. बट इन एक्सीडेंट मैनुअल दिस अनयूजुअल हैज गॉट लिटिल डिफरेंट मीनिंग. यहाँ डिफरेंट मीनिंग क्या है? द इंसिडेंट्स विच इन्वॉल्व्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम से संबंधित है, कानून व्यवस्था. तो इसको पहचानने के लिए सबसे ये तरीका है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, सो पुलिस इज रिक्वायर्ड. सिंपल स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड्स, वी कैन नॉट डू इन सच अनयूजुअल्स एज पर एक्सीडेंट मैनुअल. हियर पुलिस इज रिक्वायर्ड, RPF, GRP और एनी अदर पुलिस इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल मर्डर इन ए ट्रेन, ट्रेन में किसी का मर्डर हो गया, थेफ्ट और एनी अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, सो एज ए नॉर्मल रेलवे एम्प्लाई ओनली वी कैन रिपोर्ट इट, वी कैन नॉट टेक फर्दर एक्शन, सो दैट वी हैव टू हैंड ओवर द केस टू द पुलिस. एक आता है जैसा रेल रोको, सपोज 1000 पीपल्स आर सिटिंग ऑन द रेलवे ट्रैक, उसको रेल रेकेज भी बोलते हैं,
like Gurjar Andolan or any other Andolan. So in that case also police is required. So some more people are sitting on the roof of the train. So usme bhi train detain ho jayega and we have to take the help of the police. So these are the concept of unusual incidents. A five type ke accidents hai. Now I will tell you very fast the different siren codes, and after that other things I will discuss in the next video. Siren code jo durghatna siren code bolte hain, so that is important for our examination and for our practical duty. So yahan pe jaise two long siren, so long siren ka meaning hota hai ART से संबंधित है, और जब छोटा सायरन बोलते हैं शॉर्ट सायरन और छोटा सायरन, वो मेडिकल रिलीफ ट्रेन से संबंधित है, ये मन में रखना चाहिए. सो फर्स्ट इज टू लॉन्ग सायरन, दो लंबे सायरन दिया है. लॉन्ग सायरन का ड्यूरेशन 30 सेकंड होता है और छोटे सायरन का ड्यूरेशन है 5 सेकंड. और पूरा सायरन बजाने के बाद अगर रिपीट करना है तो 30 सेकंड का गैप मिनिमम देके तब हमें रिपीट या रिकॉल करना चाहिए. सो लॉन्ग सायरन शॉर्ट सायरन का ये मीनिंग है. सपोज एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, उसके बाद सायरन बजाया जाएगा. सो टू लॉन्ग सायरन का मीनिंग है यार्ड एक्सीडेंट, कि यार्ड में एक्सीडेंट हुआ है और स्टेशन का रनिंग लाइन सेफ है. सेकेंड वन इज थ्री लॉन्ग. थ्री लॉन्ग मीन्स आउट स्टेशन एक्सीडेंट. यहाँ आउट स्टेशन का मीनिंग होता है कि यार्ड एक्सीडेंट नहीं है, स्टेशन की रनिंग लाइन या ब्लॉक सेक्शन में एक्सीडेंट हुआ है, बट मेन लाइन इज क्लियर एंड ओनली एआरटी रिक्वायर्ड. तो थ्री लॉन्ग सायरन का मतलब है आउट स्टेशन एक्सीडेंट, स्टेशन की रनिंग लाइन या ब्लॉक सेक्शन की रनिंग लाइन में एक्सीडेंट हुआ है और ओनली एआरटी इज रिक्वायर्ड एंड मेन लाइन इज क्लियर. मेन लाइन क्लियर का मीनिंग होता है ट्रेन कैन रन फ्रॉम दिस साइड टू अदर साइड, यानी ट्रेन का आना जाना रुका नहीं है, वही मीनिंग है. नेक्स्ट कोड इज थ्री लॉन्ग वन शॉर्ट. तीन लंबा सायरन बजा के एक छोटा सायरन बजाया. तो जैसा कि आपको बताया मैंने, छोटा सायरन का मीनिंग है मेडिकल रिलीफ ट्रेन के लिए, यानी पैसेंजर ट्रेन का उसमें इन्वॉल्वमेंट है. तो छोटा सायरन भी बजाया है, मीन्स आउट स्टेशन एक्सीडेंट, मेन लाइन इज क्लियर, एआरटी प्लस एमआरटी, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और मेडिकल रिलीफ ट्रेन दोनों की आवश्यकता है, उसका कोड है थ्री लॉन्ग वन शॉर्ट. नेक्स्ट सायरन कोड इज फोर लॉन्ग. फोर लॉन्ग का मीनिंग है आउट स्टेशन एक्सीडेंट, मेन लाइन ब्लॉक्ड. ये डिफरेंस है कि मेन लाइन ब्लॉक हो गया, इसका मीनिंग क्या है, ट्रेन कैन नॉट रन फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड, यानी ट्रेन सर्विसेज वहां पे इंटरप्ट हो गई, रुक गई है. सो फोर लॉन्ग आउट स्टेशन एक्सीडेंट, मेन लाइन इज ब्लॉक्ड, एआरटी रिक्वायर्ड, क्योंकि छोटा सायरन नहीं बजाया तो ओनली एआरटी रिक्वायर्ड. एंड लास्ट सायरन कोड इज फोर लॉन्ग वन शॉर्ट. चार लंबा एक छोटा सायरन, आउट स्टेशन एक्सीडेंट, यार्ड तो नहीं है, आउट स्टेशन का एक्सीडेंट है, एंड मेन लाइन इज ब्लॉक्ड, एआरटी प्लस एमआरटी बोथ रिक्वायर्ड, क्योंकि छोटा सायरन भी बजाया है. सो दैट इज द लास्ट सायरन कोड. और जैसा कि आपको हमने बताया, लंबे सायरन का बजाने का ड्यूरेशन 30 सेकेंड, छोटा सायरन का बजाने का ड्यूरेशन है 5 सेकेंड, और अगर एक पूरा साइकिल बजाने के बाद नेक्स्ट रिपीट करना है, रिकॉल करना है, तो 30 सेकंड का गैप देके तब रिपीट कर सकते हैं. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड बोथ द थिंग्स, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट एंड दिस सायरन कोड्स. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस यू एग्जांपल्स ऑफ कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट एंड इंडिकेटिव एक्सीडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द एक्सीडेंट मैनुअल. If any doubt is there in this, please ask in the comment box. I will reply you. And please do like the video, subscribe to the channel if already not subscribed, and share with your friends. Thank you so much for watching.